अभी जो उन्नी वाले हैं वो भी स्टैंडर्ड है, और जो आने वाले हैं उसको डाइवर्ट किया है, क्योंकि काठमांडू एयरपोर्ट ज्यादा बड़ा नहीं है, वो छोटा है। तो जब प्रारंभिक अनुसंधान होगा और उसके बाद वो फिर सुचारू होगा, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन जो आज जो दुर्घटना हुआ था, क्रैश हुआ था, वो थोड़ा रनवे से बाहर है, तो रनवे अभी तक क्लियर है, रनवे क्लियर है। तो लेकिन जो जो नंबर ऑफ एरोप्लेन्स जो है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो ये सिर्फ इतना जानकारी उन्हें दे दिया है अधिकारियों ने कि बाहर से आने वाले इंटरनेशनल फ्लाइट्स वो बिल्कुल। इंडिया का एयरपोर्ट पे वो डाइवर्ट किया है, और जो डोमेस्टिक जो है और देखो इंटरनेशनल जो परेशान जी, उन्नी आपको वाले रोकना का। चाहूंगी, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, दर्शकों को दिखा दूं कि क्रैश के टाइम ये जो सीसीटीवी फुटेज है, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सामने है, देखिए कि किस तरीके से टेक ऑफ होने के बाद कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 19 लोग सवार थे। ये सीसीटीवी फुटेज जो आया है वो सामने आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। तो बड़ा प्लेन हादसा हुआ है नेपाल में, आपको बता दें प्लेन क्रैश हुआ है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। इसकी वजह से आपको बता दें तमाम जो लोग हैं उनके मौत की पुष्टि यहां पर की जा रही है। अब से थोड़ी देर में नेपाल के जो प्रधानमंत्री ओली वो भी घटना स्थल का दौरा करेंगे, और साथ ही साथ आपको बता दें तमाम जो फ्लाइट्स हैं नेपाल के इस काठमांडू एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली या फिर उस एयरपोर्ट पर आने वाली उनमें भी देरी देखी जा रही है। तो ये विजुअल्स आप देखिए मेरा नाउ पर, आपको बता दें सीसीटीवी फुटेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो प्लेन जब क्रैश हुआ तो सीसीटीवी में जो विजुअल थे, जो विजुअल ग्रैब किए गए, कैद हुए जो विजुअल, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दर्दनाक हादसा है ये, आपको बता दें। हालांकि कईयों की मौत की पुष्टि सामने हो चुकी है, हालांकि जो कैप्टन है वो फिलहाल आपको बता दें अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। तो परशुराम जी आप हमारे साथ जुड़े हुए, दर्शकों को लगातार हम ये नई तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब जो सीसीटीवी फुटेज आया है, हैरान करने वाला ये सीसीटीवी फुटेज है, और कहीं ना कहीं देखिए दर्दनाक हादसा है। और जिस तरीके से आप बता रहे कि प्रधानमंत्री भी अब से कुछ ही देर में घटनास्थल का दौरा करेंगे, रेस्क्यू टीम की अगर बात की जाए परशुराम जी, तो क्या है वहां पे, कौन कौन सी टीम है जो फिलहाल घटनास्थल पर मौजूद है? जी, शुरुआत से जब प्लेन क्रैश की खबर आई है तो उसके बाद जो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो तैनात नेपाल आर्मी जो है उनका डिप्लॉयमेंट जल्द ही शुरू हुआ है। तो उसके बाद आर्म पुलिस फोर्स उस वो भी डिप्लॉय हुआ, उसके बाद नेपाल प्रहरी, तो तीनों जो हमारे नेपाल का जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको रेस्क्यू टीम वो गए और तुरंत वहां से डेड बॉडी निकाला, और जो घायल अवस्था में जितना लोग थे, मतलब 4 लोग थे, उसको भी निकाला। और 25 मिनट के बाद वो जो जो आग लगी थी, बहुत बहुत वो सीसीटीवी फुटेज में भी हम देखते हैं, और जो जो बाकी जो विजुअल्स भी हमारे सामने जो आए हैं कि जो इतना जो आग लगी है, तो वो भी 25 मिनट के बाद वो खत्म हो गया है, और अभी परिस्थिति बिल्कुल शांत है। बिल्कुल, यानी आपको बता दें कि परिस्थिति शांत दिखाई दे रही है, लेकिन इस आपको बता दें शांति के पीछे का जो तूफान था वो आके जा चुका है। तमाम लोगों की मौत की पुष्टि इस बीच हो गई है। प्रधानमंत्री ओली जो है वो अब से कुछ ही देर में वहां पर जाएंगे, घटनास्थल का जो है कि वो जायजा लेंगे। साथ ही साथ देखिए परशुराम जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्राथमिक जानकारी, हालांकि बहुत जल्दबाजी होगा, ये जो क्रैश हुआ है सिर्फ फिसलने की वजह से क्रैश हुआ है, कुछ और भी क्या इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है? नहीं, और तो ज्यादा नहीं है। जो अधिकारी जो लोग हैं वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कैसे एक घटना हुआ। तो मेरे ख्याल से इससे पहले जो पास्ट में जिस ढंग का ऐसा क्रैश हुआ था, उस समय सरकार ने एक जांच बूझ कमीशन ऐसा गठन करता था, और उसको सर्टेन टाइम देकर इसको इसको कारण रीजन को थोड़ा इसको पता लगाने का कोशिश कर रहा था। तो मेरे ख्याल से अभी जब प्रधानमंत्री जाएंगे, और हमारे गृह मंत्री तो पहुंच चुके हैं, और नागरिक उड्डयन मंत्री वो भी बद्री पांडे जी वो भी गए हैं, तो उसके बाद सरकार ने एक कुछ कमिटी गठन करेंगे ऐसा हम मानते हैं। तो उसको बाद इसको सारे मतलब कैसे हाल हो गया है, इसका कारण क्या है, इसको सारे सामने आ जाएगा। बिल्कुल परशुराम जी हमारे साथ बने रहिए, और देखिए नई तस्वीर तो सीसीटीवी फुटेज है जो आपको दिखा रहा है, और ये देखिए नए विजुअल सामने आए हैं किस तरीके से टेक ऑफ हुआ प्लेन, टर्न हुआ, उसके बाद क्रैश हुआ, और ये धुएं का गुबार आप अंदाजा लगा सकते हैं।
लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। एक जो कैप्टन है बहरहाल वो अस्पताल में है। तो ये नया विजुअल जो है आपको बता दें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इसी बीच नेपाल से जो जर्नलिस्ट है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि कैप्टन अमित सिंह एविएशन एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है मेरा नाव पर आपका। ये दर्दनाक हादसा नेपाल में जो प्लेन क्रैश हुआ है, कई लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है, हालांकि स्किड ऑफ हुआ ऐसा बताया जा रहा है टेक ऑफ से पहले जब टेक ऑफ हुआ, और जो तस्वीरें सामने आई है देखिए किस तरीके से प्लेन टेक ऑफ हुआ, टर्न हुआ, फिर क्रैश हुआ। जब तक इसका सीबीआर का रिकॉर्डर का एनालिसिस नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते क्या कारण है और एग्जैक्टली हुआ क्या। लेकिन आपको ऐसा अंदाजा होना चाहिए कि टेक ऑफ के वक्त जहाज की गति कोई 250 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से होता है। तो जो स्पीड है उस पर पायलट का रिएक्शन और एग्जैक्टली क्या फेलियर हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि पायलट ने क्या रिएक्ट किया है। टेक ऑफ के टाइम क्रैशेज हो चुके हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, इंजन फेलियर हो सकता है या किसी कारण, या पायलट में कोई रिस्पॉन्स होता है वो फेलियर वो गलत किया। तो ये सब फैक्टर से बातें पता चलेंगे, डिटेल जाएंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मोस्ट क्रिटिकल फेलियर्स आर टेक ऑफ एंड लैंडिंग, इससे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं बिकॉज काफी गति इतनी होती है कि उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है अगर कुछ गलत हो जाए। जी कैप्टन अमित सिंह जी, अगर देखा जाए तो टेक ऑफ जो तस्वीरें देखिए सामने आए कि प्लेन टेक ऑफ कर तो लेता है लेकिन टर्न करने के बाद अचानक से कोई खराबी दिख रही है जिसकी वजह से प्लेन सीधे नीचे आ गिरता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो पायलट की अगर बात की जाए, कैप्टन की अगर बात की जाए, तो कितना मुश्किल होता है संभालना। देखिए ये कुछ होता है कि जहाज पे भी डिपेंड करता है, ये जो सीआरजी जहाज है इसमें इंजन की पोजीशन क्या है, अगर एक इंजन फेल हो तेज रफ्तार पे तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। जो जहाज होते हैं जिसमें इतना आसान होता है, जैसे बड़े जहाज हैं बोइंग 777 या 350, उसमें ऐसे ही सुविधाएं होती है कि अगर एक इंजन फेल हो गया तो सिस्टम उसको कर लेगा टेक ओवर। तो उसको हम यॉ बोलते हैं कि एक तरफ अगर आपका इंजन फेल हुआ तो दूसरा हाई पावर पे है तो जहाज एकदम से मुड़ेगा दूसरी तरफ। तो उस सिचुएशन में एक आपको संभालना डिपेंड करता है पायलट की ट्रेनिंग पे, किस तरह की ट्रेनिंग हुई है, पायलट का ट्रेनिंग रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, इसलिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो इस पर्टिकुलर जहाज को संभालना मुश्किल, बहुत मुश्किल है सीआरजी जहाज को अगर आपका इंजिन फेल हो जाता है हाई स्पीड पे। सो ये हो सकता है एक कारण कि अचानक से एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हुआ और फिर नीचे आ गया। उसको स्टॉल बोलते हैं, स्टॉल मतलब जो आपकी लिफ्ट है वो एकदम से ड्रॉप कर गई। तो जहाज की जो एयरफॉल होती है जैसे वो लिफ्ट जनरेट करता है उस पर डिपेंड करता है। तो जहाज होती है बड़ा मुश्किल, जैसे आपके फाइटर्स हैं, फाइटर्स में अगर हाई स्पीड इंजन फेलियर हुआ तो वो ज्यादा मुश्किल है बजाय कि बड़े जहाज बोइंग पे या एयरबस पे। सो उनका जो एयरफॉल होता है वो बहुत ही पतला होता है, उसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। सो इसमें ट्रेनिंग की अगर हाईली ट्रेंड हाईली स्किल्ड पायलट है वो आसानी से संभाल लेगा, लेकिन अगर किसी ने गलती कर दी तो उसको सुधारना बड़ा मुश्किल है उस समय। जी मेरा आखिरी सवाल आपसे है, ये जो एयरलाइंस है सौर्या, वो खास तौर पे नेपाल में अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स हैं उनमें ही इसका ऑपरेशन चलता है, और जो अभी देखिए प्राथमिक जो रिपोर्ट सामने आ रही कि जिस विमान का इस्तेमाल किया गया था जो क्रैश हुआ है वो 20 साल पुराने बताए जा रहे हैं, तो उस पर भी आपसे जानकारी चाहूंगी मैं। नेपाल में ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है कि जहाज पुराने होते हैं, उनकी देखरेख जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती,
जो रेगुलेटर का है ओवरसाइट कि एयरलाइन ठीक से देख रेख कर रही है या कहीं इसके शॉर्टकट कर रही है, ठीक से जांच नहीं कर रही है विमान की. तो ये सब प्रॉब्लम तो बहुत पुरानी है और कितने ऑडिट्स में आया हुआ है. इनका जो यूएन बॉडी है उसने भी डाउनग्रेड कर दिया था इसकी ऑडिट में कि सेफ्टी रिकॉर्ड ठीक नहीं है. सो पिछले साल जो दो तीन क्रैश हुए हैं तो तब भी हर बार ये हाईलाइट होता है कि आप जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है वो ठीक नहीं है. इनके पास सिमुलेटर नहीं है पायलट सिमुलेटर ट्रेनिंग के लिए, तो बाहर जाना पड़ता है या कोई और तरीके से करते हैं. तो ये सब प्रॉब्लम है इनकी ज़्यादातर. सो जो वहाँ पे जो उनका DGCA है रेगुलेटर जो है उनको मालूम है कि ये सब खामियां हैं सिस्टम में, तो इन्वेस्ट कोई नहीं कर रहा इनको करेक्ट करने के लिए. जी बिल्कुल अमित सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो कैप्टन अमित सिंह एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे. तो खास तौर पर देखिए जो प्राथमिक जानकारी निकल कर सामने आ रही है कई रिपोर्ट के मुताबिक ये जो विमान जो कि एक तरीके से डोमेस्टिक ऑपरेशन करता है नेपाल में सौर्या एयरलाइंस 20 साल पुराना बताया जा रहा है. तो कहीं ना कहीं जो नेपाल का आपको बता दें एविएशन सेक्टर है उसको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है. और जैसा हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि नेपाल की ये पुरानी खामियाँ हैं, पुराने जो प्लेन्स हैं उन्हें जो है कि उतारा जाता है जिसकी वजह से ऐसी जो अनचाही घटनाएं हैं वो हो रही हैं. फिलहाल आपको बता दिए प्लेन क्रैश हुआ है, टेक ऑफ हुआ, उसके बाद बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये फिसल गया. उसके बाद जो उसका विंग है वो ग्राउंड से टकराया, क्योंकि फ्लाइट को अगर आप प्लेन को देखें तो टेक ऑफ हो चुका था, अचानक से कुछ गड़बड़ी देखी जो सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके बाद जो प्लेन का विंग है वो ग्राउंड से यानी जमीन से टकराया, आग लग गई और पूरा प्लेन जो है वो क्रैश हो गया. तमाम लोगों की मौत की पुष्टि हो रही. कैप्टन जो है फिलहाल अस्पताल में जूझ रहे हैं, आपको बता दें उनका इलाज चल रहा है. और इसके साथ ही हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए. आशीष देखिए जो एविएशन एक्सपर्ट है उनका भी साफ तौर पर कहना था कि पुराने जो प्लेन है उनमें तब्दीलियां की जानी चाहिए, अब उन्हें अपडेट अपग्रेड की जरूरत है. नेपाल में शायद ये नहीं हो पा रहा है जैसा हमारे एविएशन एक्सपर्ट बता रहे थे. और ये तस्वीरें भी आशीष आपने देखी होंगी किस तरीके से प्लेन टेक ऑफ हुआ उसके बाद अचानक से गड़बड़ी दिखी, विंग में आग लगी और पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो गया. जी श्वेता, जैसे कि आप बता रहे थे कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ये तो ऑफिशियल एक प्रोब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली ये हुआ क्या था. लेकिन जैसे कि हम विजुअल देख पा रहे हैं, अगर हम सीसीटीवी फुटेज चला रहे हैं अपने चैनल पे, तो एक चीज़ काफ़ी क्लियर है, एक राइट हैंड स्टीप बैंकिंग देखा जा रहा है. अभी ये एक टर्म यूज़ किया जाता है बहुत बार, बहुत सारे क्रैशेज में हमने ये देखा हुआ है कि जो प्लेन होती है जब टेक ऑफ करती है तो एक तरफ टिल्ट होती है, उसको बोलते हैं बैंकिंग. नाउ इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, या तो एयरक्राफ्ट में खराबी हो सकती है, या तो पायलट की गलती हो सकती है, या फिर कुछ तकनीकी भी हो सकता है जिसकी वजह से ये हुआ होगा. अभी इसमें जो आप देख रहे हैं ये राइट साइड जो टिल्ट हो रहा है इसको ओवर बैंकिंग कहता है. ओवर बैंकिंग की वजह से क्या होता है, बहुत बार जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है अगर पायलट फ्लाइट को इनिशियली जब टेक ऑफ कर रहा है तब टर्न करने की कोशिश करता है, तो अगर वो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा अगर फ्लाइट एक तरफ टिल्ट होती है उसको बोलते हैं ओवर बैंकिंग. और जब ओवर बैंकिंग होती है तो वर्टिकल जो आपका एक आपका वेलोसिटी होता है, वर्टिकल जो आपका लिफ्ट होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और फ्लाइट सीधा ऊपर जाने के बजाय सीधा नीचे जाती है. ये कुछ हम विजुअल से देख पा रहे हैं ये एक्चुअली हुआ होगा. ये इंजन के फेलियर की वजह से हुआ या पायलट की गलती की वजह से या फिर ये प्लेन पुराने होने की वजह से हुआ, ये डिटेल एक बार इन्वेस्टिगेशन पूरा खत्म होगा तब पता चलेगा. लेकिन ऐसे ही एग्जैक्ट सेम इंसिडेंट्स हमने नेपाल में देखे पिछले कुछ सालों में भी, जहाँ पे जब टेक ऑफ होता है पर्टिकुलर प्लेन तो ओवर बैंकिंग होता है, ओवर बैंकिंग के बाद प्लेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टिल्ट होती है और टिल्ट होकर सीधा क्रैश होती है क्योंकि वर्टिकल टेक ऑफ नहीं हो पाता जब ओवर बैंकिंग हो जाता है. तो ये एक तरह से इनिशियल तौर पे हमको समझ में आ रहा है कि ये एक रीजन हो सकता है टेक ऑफ के बाद क्रैश होने का. लेकिन एग्जैक्ट रीजन क्या है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, वो पायलट की गलती थी या प्लेन खराब होने की वजह से गलती थी या फिर कुछ टेक्निकल एरर था जिसकी वजह से यह हुआ होगा. बिल्कुल आशीष, हालांकि देखिए जो नेपाल से जर्नलिस्ट थे वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, थोड़ी देर में जो नेपाल के प्रधानमंत्री वो भी घटनास्थल पर जाएंगे. आशीष आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि ये जो तस्वीरें सामने आ रही जिस तरीके से आप भी एक टर्मोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में
क्योंकि नेपाल में पिछले साल ही अगर देखा जाए तो एक बड़ा प्लेन हादसा हुआ था जिसमें 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। तो एक बार फिर से ये सवाल तो उठ रहा है, हालांकि जल्दबाजी होगा किसी निर्णय पर आना। आशीष जी, श्वेता, एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आना इस टाइम पे बहुत ही एक यू नो इनिशियल कंक्लूजन रहेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जैसे कि आप बता रहे थे कि एविएशन एक्सपर्ट्स भी इसको देखे हैं, और ये बहुत बार होता है, ये पर्टिकुलर इशू जो होता है ओवर बैंकिंग जिसको कहते थे, जो टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत बार होता है। और ये क्रैशेस सिर्फ नेपाल में नहीं, बहुत अलग अलग देशों के दूसरी जगह पे भी हुआ है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड होते हैं। आपके एयरक्राफ्ट का जो हेल्थ है वो भी डिसाइड करता है, पायलट का जो एफिशिएंसी है वो भी डिसाइड होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एग्जैक्ट डिटेल एक बार पूरी डिटेल में जानकारी जब होगी तो पता चलेगी। बिल्कुल आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और हमारे सहयोगी समीर दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। समीर, आपसे ताजा अपडेट चाहेंगे इस पूरे मामले में जो काठमांडू में ये प्लेन क्रैश हुआ है। समीर जी, बिल्कुल, नेपाल प्लेन क्रैश में इस वक्त जो तमाम एजेंसी हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि वहां पर मलबे को हटाया जाए, और जो अगर भी कोई संभावित है जिसको सुरक्षित निकाला जा सकता है। लेकिन ये दुखद ये बात जानकारी सामने आ रही है कि 19 लोग जो प्लेन में सवार थे उनमें से 18 जो है वो उनकी मृत्यु हो गई है, और केवल पायलट उसकी जान सलामत है, यानी कि वो बच पाया है। इस वक्त तमाम एजेंसी ये कोशिश कर रही है कि उस पूरे एरिया को सुरक्षित कर लिया जाए, और जो बाकी के फ्लाइट ऑपरेशंस है उसको फिलहाल कंटेल किया गया है, रोका गया है, और बाकी ऑपरेशंस को फिर से वापस पटरी पर लाने के लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन एक दुखद हादसा है, नेपाल एविएशन सेफ्टी पर भी ये सवाल उठा रहा है, और एजेंसी कोशिश ये कर रही है कि जो हताहत हैं, जो लोग इस दुखद हादसे के लपेटे में आए हैं, उनको सही जानकारी उपलब्ध कराना और जो उनको मदद करनी है वो उसको पहुंचाने में कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि पोखरा बाउंड, ये पोखरा के लिए जो फ्लाइट जा रही थी, इसके सौर्या एयरलाइंस के फ्लाइट है, जिसमें ये लगभग पुष्टि की जा चुकी है कि 18। बिल्कुल समीर, आपको रोकना चाहूंगी और सीधे रुक करूंगी हमारे सहयोगी आशीष का, नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आएगा। आशीष, ओवर टू यू। जी श्वेता, नेपाल गवर्नमेंट की तौर से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। सौर्या एयरलाइंस की फ्लाइट है, टेक ऑफ 11:11 पे हुआ था और ईस्ट साइड पे गिरी है। जैसे कि हम बता रहे थे कि ये प्लेन जो है राइट साइड पे झुकी है, इसको बोलते हैं ओवर बैंकिंग। ये ओवर बैंकिंग एग्जैक्टली हुआ क्यों है ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन नेपाल गवर्नमेंट ने अभी कन्फर्म किया कि 18 लोगों की मौत हो चुकी है, एक पर्सन वहाँ पे बचा लिया गया है, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं ये पायलट भी हो सकता है, उसकी जानकारी हम ऑफिशियली अभी वेट करेंगे नेपाल गवर्नमेंट की तौर से। लेकिन नेपाल गवर्नमेंट ने अभी इसका इनिशियल डिटेल जो हमारे साथ शेयर किया उसमें से ये पता लग रहा है कि जैसे ही टेक ऑफ हुआ 11:11 से काठमांडू एयरपोर्ट से पोखरा की तरफ ये फ्लाइट जा रही थी, तब इनिशियली राइट साइड में टिल्ट हुआ ये प्लेन, राइट साइड में टिल्ट होकर वर्टिकल टेक ऑफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और जैसे कॉम्प्रोमाइज हुआ है रनवे के ईस्ट साइड पे जो कि राइट साइड पे वहां पे जाके ये प्लेन क्रैश हुई है। 18 लोगों की मौत हो गई है और एक पर्सन अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। बिल्कुल आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी आशीष ये जानकारी दे रहे थे, नेपाल सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया, और स्टेटमेंट में बकायदा आपको बता दें कि एक शख्स की बात की गई है जिसे घटनास्थल से रेस्क्यू करके अस्पताल में एडमिट करवाया गया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि 18 शव जो हैं वो वहां से क्रैश साइट से 18 शवों को जो है उन्हें निकाला गया, डेड बॉडीज को निकाला गया है। तो नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से आपको बता दें ये स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि 11:11 पर सुबह ये प्लेन क्रैश हुआ काठमांडू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, और फिलहाल आपको बता दें कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अंडरवे है, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट जिसका इंतजार था वो नेपाल सरकार की तरफ से सामने आ गया है। ये बहुत ही प्राथमिक स्टेटमेंट है नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से, आपको बता दें। हालांकि 18 डेड बॉडीज की बात यहां पर की जा रही है जो क्रैश साइट से बरामद की गई है, साथ ही साथ एक शख्स जो है उन्हें जो इंजर्ड थे, जो घायल थे, उन्हें ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन आपको बता दें वो चलाया जा रहा है। ऐसा नेपाल गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट जारी किया है, बयान जारी किया है, उसके तरफ से ये खबर सामने आ रही है। तो नेपाल में ये बड़ा प्लेन हादसा हुआ है, आपको बता दें 19 लोग सवार थे, ऐसी जानकारी सामने आई, 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, नेपाल से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और साथ ही साथ नेपाल सरकार की तरफ से स्टेटमेंट भी जारी किया गया है इस बीच। और हमारे साथ जो नेपाल के जर्नलिस्ट आपको बता दें वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुक कर लेते हैं उनसे। और परशुराम जी, आपसे जानना चाहेंगे जो सरकार है नेपाल की, जो गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से भी स्टेटमेंट अब सामने आ चुका है। जो प्राथमिक स्टेटमेंट है वो सामने आया है, 18 लोगों की मौत की पुष्टि नेपाल सरकार के स्टेटमेंट में की गई है। जी श्वेता जी, नेपाल सरकार का मतलब है ये नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, जो इसको सारे एयरलाइंस को मामले को देखने वाले एक सरकारी निकाय है, और इसको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का जो त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय, जो सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिविल एविएशन ऑफिस, इनका स्टेटमेंट आया है जो नेपाल सरकार का ही एक निकाय है। तो इनको स्टेटमेंट के मुताबिक अभी 18 लोगों का मौत हुआ है, उनका डेड बॉडी अभी पता किया है, डेड बॉडी अभी नेपाल का टीचिंग हॉस्पिटल में अभी डेड बॉडी कलेक्शन हुआ है, वहाँ लेकर गए हैं। और जो कैप्टन है जो मनीष साकिया, उनका काठमांडू स्थित जो नेपाल काठमांडू मेडिकल कॉलेज उसमें उनका जी बिल्कुल। तो आपको बता दें नेपाल के जो जर्नलिस्ट वो हमारे साथ जुड़े थे, ताज़ा जानकारी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। बहरहाल ये बड़ी खबर के साथ ही इस बुलेटिन में आपको छोड़ जाते, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार मेरा नाव पर जारी रहेगा। नमस्कार।